अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसा बोलता है विद अंजुम इब्राहिम। खवातीन हज़रात, आपने किसी से एहसास प्रोग्राम जो है उसके खिलाफ कुछ नहीं सुना होगा। इट्स अ गुड प्रोग्राम, इट्स समथिंग दैट इज बीइंग एडमिनिस्ट्रेट वेरी वेल, और हम डिस्कस करेंगे कि इसको इसकी क्या पॉजिटिव फीचर्स हैं एंड नेगेटिव इफ एनी। तो डिस्कस करने के लिए हमारे साथ सेनेटर नसीबुल्ला बजाई साहब हैं, चेयरमैन हैं सेनेट पॉवर्टी एलिविएशन कमेटी के। हमारे साथ फोन पे आबिद सुलेरी, डॉक्टर आबिद सुलेरी साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं, जो एसडीपीआई के, जो विच आई कंसिडर वन ऑफ द बेस्ट थिंक टैंक्स इन द कंट्री, वो उसको हेड करते हैं। और स्टूडियो में हमारे साथ जो बिस बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को जो जिनकी बीट है, सरदार सिकंदर शाहीन साहब हैं, और उनके साथ ताहिर अमीन साहब हैं, जो हमें बताएंगे सेहत सहूलत कार्ड के बारे में, बिकॉज दैट्स अनदर वेरी वेरी प्रो पुअर इनिशिएटिव टेकन बाय द खान एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैं शुरू करने से पहले, बिफोर आई गो टू सेनेटर बजाई, आई वांट टू स्टार्ट विद सरदार सिकंदर शाहीन साहब। बताइएगा कि ये जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, एहसास प्रोग्राम जो है, इसकी क्या नौइयत है? जी, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है, ये बेसिकली एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बना था। तो ऐसा जो ऑन पेपर है, जो एग्जिस्ट करता है लीगली, वो बिस्प ही है। एहसास प्रोग्राम आपको वेबसाइट्स पे, गवर्नमेंट के मिनिस्ट्रीज में, जो गवर्नमेंट प्रोजेक्शंस में, तो हर जगह नजर आएगा, लेकिन लीगली इट इज नॉट एग्जिस्टेंट। लीगली तमाम बजट डॉक्यूमेंट्स में जो भी बजटरी एलोकेशंस होती हैं, वो अंडर द हेड ऑफ बिस्प ही होती हैं। तो बट ऑल ऑफ देम आर नॉट कैश डिसबर्समेंट्स, राइट? मतलब है कि बिस्प इंक्लूड्स कैश डिसबर्समेंट्स टू द पुअर, तो वल्नरेबल हाउसहोल्ड्स, और क्या क्या उसमें अब आ गया? और उसमें ये मल्टी फेसेटेड डिफरेंट इनिशिएटिव्स हैं, जो कंडीशनल कैश भी है, अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर्स भी हैं, फिर उसके अलावा पनागाज हो गई, फिर बैतुल माल इज अंडर द एम्बिट ऑफ सोशल सिक्योरिटी डिवीजन, सोशल सेफ्टी डिवीजन, उस लंगर खाने हैं, फिर पनागाज हैं, फिर इंटरेस्ट फ्री लोन्स हैं, एजुकेशन सेक्टर में काफी काम हो रहा है, और उसके अलावा ये मेडिकल और हेल्थ केयर में भी उसमें ये जा रहे हैं। सही। सेकंड क्वेश्चन बिफोर आई गो टू द सेनेटर, ये बताइएगा कि जो इनिशिएटिव खान साहब की एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया है, क्या ये वाकई पिछले इनिशिएटिव से बहुत बेहतर है? जी, इस गवर्नमेंट की प्रायोरिटी तो ये है, एहसास प्रोग्राम में बहुत ज्यादा और फोकस भी है, और उसमें तो इस चीज तो काबिले सताइश है कि ये सराही जानी चाहिए कि इसमें एक गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है, लेकिन उसमें फिर कंस्ट्रेंट्स भी हैं, फंडिंग इश्यूज भी हैं। अभी 2017 में अगर हम कंपैरिजन करें इसको 2017-18, तो 113 अरब बिलियन जो है, जब PMLN की जो लास्ट वो गवर्नमेंट थी, 11 महीने में 113 अरब की एलोकेशन थी बिस्प की। तो टोटल जो बजट आउटले को अगर हम देखें तो वो 3.76 ट्रिलियन था। तो ये टोटल बजट का 3% जो था वो बिस्प की। अभी अगर हम आ जाएं 21-22 में, तो 246 तो है ये बिलियन रुपीज एहसास प्रोग्राम का जो बजट है, लेकिन जो बजट आउटले है वो 8.48 ट्रिलियन रुपीज है, और 2.89% ये टोटल बजट क्या बनता है, तो स्लाइट डिक्लाइन 0.11% की डिक्रीज है, 0.11 की। जी सेनेटर साहब, आपने सुना जो सिकंदर साहब ने कहा, व्हाट डू यू थिंक ऑफ द इनिशिएटिव एहसास प्रोग्राम और बिस्प? आप तो चेयर करते हैं कमेटी को। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बात यह है कि मैं इस कमेटी का, स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन हूँ इस मिनिस्ट्री का। ये मेरे ख्याल से अपनी नौयत का पहला प्रोग्राम है, बल्कि मैं अगर ये कहूँ पूरे रीजन में, और ये जो हमारे जैसे मुल्क है पाकिस्तान, और बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि दुनिया में इस प्रोग्राम को बड़े पज़ीराई मिली और बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने इसको अप्रिशिएट भी किया, और जो रकम इसके जरिए तकसीम हो रहा है, इसमें कोई भी वो पहले जैसे वो जो होते थे पहले अखबार में,
वो गबन वो खेल से तकरीबन खत्म हो गए। तकरीबन ये बिल्कुल अपने अंदाज से एक बिल्कुल सेफ प्रोग्राम बन गया है। और जिस तरह इमरान खान हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस सोच के साथ इस प्रोग्राम जिस विजन के साथ ये तमाम चीजें इस पॉवर्टी रिलेशन में तकरीबन इसमें और भी बैतुल माल इसमें और भी बहुत सी चीजें हैं आ गए तकरीबन एक ही जगह पे सबको इकट्ठा करके उनकी निगरानी कर रहे हैं। और इसकी जो माहौल खसूसी है उसका मैं जरूर बात करूंगा जो दिन की है और सानिया निश्चर साहबा है वो बड़ी से मेहनत भी कर रही है और बड़े अच्छे तरीके और बहुत से कॉम्पिटेंट है जी। शी इज कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड और फिर मेहनत बहुत ज्यादा कर रही है और जब भी हमारी कोई मीटिंग होती है इस बारे में वो तकरीबन बड़े तफसील के साथ हमारे सेनेटर हजरात हमारे जितने भी लोग होते हैं उनको सही तरीके से समझा देते हैं। और ये अपनी नौयत का मेरे ख्याल से इसको यूरोप और दूसरे ममालिक में भी इस चीज को बड़ा अप्रिशिएट किया गया कि इस जैसा प्रोग्राम जो है शायद किसी एक मुल्क में हो। पाकिस्तान का नंबर तो दूसरे नंबर पे आ रहा है जो जब ये प्रोग्राम बने हुए इनमें बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम जी। बट इफ यू गो इनटू द इंटीग्रिटी ऑफ द प्रोग्राम अगर हम जाएं तो कैश डिसबर्समेंट्स इस साल मेरे ख्याल में 204 है कितनी है बिलियन 204 बिलियन है जी। मगर जो पॉवर्टी लेवल्स हैं वो जब खान साहब आए थे तो क्या था सिकंदर साहब जी ये यूएस का एनजीओ है बोर्गन प्रोजेक्ट उनका ये डाटा है कि 69 मिलियन जो है पॉवर्टी लोग वो पॉवर्टी लेवल में 31.3% जो बनता है ये 2018 और बाय द एंड ऑफ 2020 ये इंक्रीज करके 87 मिलियन या 40% लोग 40% जैसे कि आपने कहा सेनेटर साहब लॉट ऑफ इट इज टू डू विद द पेंडेमिक बट फिर भी इंक्रीज तो हुआ है उस लिहाज से ऑब्वियसली हमारी फंडिंग कंस्ट्रेंट्स हैं बट हमारी जो कमिटमेंट है इन टर्म्स ऑफ टोटल बजट आउटले ऑन दिस पर्टिकुलर एहसास प्रोग्राम कह लें आप वो कम हुई है फ्रॉम 2017-18 फ्रॉम 3% टू आपने 2.89% कम हुई है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। अच्छा मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मैं ताकि मुझे एक दो घंटे पहले इन्होंने बता दिया कि इस प्रोग्राम है तो मैं इतना कहूंगा कि इस प्रोग्राम के तहत जितने भी मामलात हैं आप इसको जरा इस तरह चेक कर सकते हैं कि अभी आइंदा 4 सालों में ये इस प्रोग्राम को मजीद वसी किया जा रहा है 2 लाख लोगों तक ये जो खासकर जो स्कॉलरशिप के लिए होते हैं अंडर ग्रेजुएट उन लोगों तक फैलाया जा रहा है और उनको स्कॉलरशिप के मद में जो 45,000 से कम आमदनी वाले लोग हैं उनके बच्चों को ये स्कॉलरशिप मिल रहे हैं। इनमें बड़े अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं ऐसा प्रोग्राम है जैसे आपको लंगर खाने कैश प्रोग्राम जो कैश जी सर वो सब सही है बट मेरा सवाल आपसे ये था कि गवर्नमेंट जो है वो अपना बजटेड आउटले तो बढ़ा रही है मगर इसमें इतना परसेंटेज वाइज कमी आई है फ्रॉम पीएमएल नवाज गवर्नमेंट तो उसका उसका क्या आप कहेंगे। नहीं वो तो हमें गवर्नमेंट की तरफ से ये हुआ है कि हम इसको डबल कर देंगे इंशाल्लाह सर। डबल करना फर्क बात है बट यू हैव टू लुक एट इट इन पर्सपेक्टिव ऑफ द टोटल बजट। लेट मी गो टू डॉक्टर सुलेरी। डॉक्टर साहब आप क्या कहोगे। मेरा ख्याल है सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगी कि ये जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है कोविड में स्पेशली लास्ट ईयर जी लास्ट ईयर जो सोशल प्रोटेक्शन एक फ्लैगशिप पाकिस्तान का प्रोग्राम बना और तकरीबन 15 मिलियन घरानों तक पहुंचने के काबिल थे इसके डाटा की वजह से। तो अगर ये ना होता तो शायद कोविड की जो मसायब और तकलीफ है बहुत ज्यादा बढ़ जाती। दूसरा अगर आप वर्ल्ड बैंक के जो सोशल प्रोटेक्शन जो उन्होंने प्रोग्राम इवैल्यूएट किए तो ये फोर्थ
बेस्ट ग्लोबल प्रोग्राम जी सर, बट डॉक्टर साहब उसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगी, दे आर नॉट कंपेयरिंग, डॉक्टर साहब दे आर नॉट कंपेयरिंग इट विद द वेस्ट, दे आर कंपेयरिंग इट विद, मेरे ख्याल में सूडान था जो नंबर वन था, कुछ इस किस्म की कंट्रीज थी, दे वर नॉट, ये ना एक्चुअली उनका पॉपुलेशन की बेसिस पे था पाकिस्तान, ये जो बेस्ट प्रोग्राम है जो 10 मिलियन से ज्यादा जिन्होंने केटर किया पॉपुलेशन को, हाउस होल्ड को, ये उनमें चौथे नंबर पे है, जाहिर है कि इट वाज नॉट, इट डिड नॉट इंक्लूड द वेस्ट, यस, तो वेस्ट में और चाइना और रशिया फॉर दैट मैटर, जी शायद वो पूरी मुल्क की पॉपुलेशन हो गई जबकि उन्होंने इस प्रोग्राम के लिए कैप्चर की, तो इसलिए कंपेरिजन आपको बड़े ममालिक के साथ मिलेगा. G, we take a short break here. Khawateen Nusrat, please stay with us if you can. वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, आई विल गो टू ताहिर अमीन. ताहिर साहब बताइएगा कि शहीद सहूलत कार इज अनदर एक्सट्रीमली गुड इनिशिएटिव, वाज दिस इनिशिएटेड वन बाय द खान एडमिनिस्ट्रेशन, एंड इसके क्या आपके ख्याल में क्या होना चाहिए इसका वे फॉरवर्ड? जी, एक तो ये कि जो सेहत सहूलत प्रोग्राम है वाकई बहुत अच्छा प्रोग्राम है, और तकरीबन सारे लोग जो है वो इवन वो इट्स आउटसाइड एसास, इट्स नॉट पार्ट ऑफ एसास, तो वो सारे इसकी तारीफ करते हैं. फिर दूसरी बात ये कि क्या ये खान एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टार्ट किया, और दूसरी बात इसके कि जो पायलट शुरू हो गया था, आपने कहा था पायलट शुरू हो गया था जरदारी एडमिनिस्ट्रेशन में 2012 में वसीले सेहत के नाम से एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुई थी, और उसके तहत फैसलाबाद में 75,000 ग्रामों को रजिस्टर्ड भी किया गया. उसके बाद फिर ये हुआ कि जब नवाज शरीफ की हुकूमत आई तो शहबाज शरीफ उस वक्त पंजाब के वजीर आला थे, उनके साथ मिलकर एक नेशनल प्रोग्राम उसने अनाउंस किया, प्राइम मिनिस्टर नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम, और इसके तहत एक प्रोग्राम पंजाब में भी स्टार्ट किया, और यहां पर एक कंपनी भी बनाई पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव एंड मैनेजमेंट, अभी भी यूज हो रही है, बिल्कुल अभी भी हो रही है, और उस वक्त इसके लिए 1.5 बिलियन रुपीज जो कि वो मुख्तस की गई थी. ये भी एक पायलट प्रोजेक्ट था, स्टार्ट में ये जो है रहीम यार खान में स्टार्ट किया, फिर बाकी तीन, और प्रोग्राम ये था कि 2018 के एंड तक इसके पूरे पंजाब यानी 36 अजला में इसको पिलाया जाएगा, नहीं पहला, और उस वक्त ये एक नेशनल प्रोग्राम था प्राइम मिनिस्टर जो नेशनल. वाज इट ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट? बिल्कुल जी, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी थी, और दूसरी बात ये कि और भी पॉलिटिकल भी कुछ सिचुएशन इस तरह बने, नवाज शरीफ की हुकूमत चेंज आई, अब्बासी एडमिनिस्ट्रेशन, और ऊपर से खान साहब की जो गवर्नमेंट थी केपी के में, दे रिफ्यूज टू फॉलो द पीएम, दे वांटेड द सेहत सहूलत कार्ड फॉर केपी के जो उन्होंने शुरू किया था. बिल्कुल जी, बट 2018 में, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, तो एक एक्चुअरियल एनालिसिस कराया गया था ऑन द बाय आई थिंक GTZ, जो जर्मन डेवलपमेंट कंपनी है, और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है. क्या रिजल्ट थे उनके? कुछ फाइंडिंग्स थे, और वो कुछ इस तरह थे कि जब भी इस तरह के जो प्रोग्राम है ये आगे जाके ये एक्सपेंड होगा, और उसमें ये कि जो इनिशियल उसके रिजल्ट थे वो यही थे, यानी कि एज अवेयरनेस इंक्रीज पीपल विल यूज इट मोर. अभी उस वक्त पायलट प्रोजेक्ट में लोगों को पता ही नहीं था, तो यूज नहीं कर रहे थे. दूसरी बात इसमें ये भी है, विच मीन्स के उनकी बेनिफिशियरी की जो कॉस्ट है वो बढ़ेगी, विच मीन्स के जो आप उसकी इंश्योरेंस कवरेज दे रहे हैं वो बढ़नी चाहिए. दूसरी बात इसमें ये भी थी कि ये IMF के प्रोग्राम जाने से पहले था, फिर जब IMF का प्रोग्राम आया तो उस वक्त ये भी था कि उसके बाद इन्फ्लेशन जो हमारी बहुत ज्यादा हो गई, मेडिसिन की प्राइसेस बहुत बढ़ी, और वो बात साबित हो रही है कि वाकई इस प्रोग्राम को. बट सेहत सहूलत कार्ड इज ओनली स्पेसिफिक टू आई थिंक बिलो जो पॉवर्टी लाइन के लोग. नहीं, आई थिंक इट इज ओनली फॉर दोज हु आर इन हॉस्पिटल, हु हैव टू बी हॉस्पिटलाइज्ड और ऑपरेशन. Am I right? जी. उसमें था कुछ आई थिंक इट इज लिमिट है, मगर नॉट फॉर मेडिकेशन. जो मेडिसिन जो आप कह रहे हैं प्राइसेस बढ़ी, इन्फ्लेशन बढ़ी, तो उससे जो जो लोग हॉस्पिटलाइजेशन जिनकी है वो तो बेनिफिट कर रहे हैं. आई कम टू डॉक्टर सुलेही साहब, आप बता रहे थे हमें ऑन बिस्प एज वेल, एंड इफ यू कुड एड योर थॉट्स अबाउट सेहत सहूलत कार्ड एज वेल. जी, सेहत सहूलत कार्ड से अगर शुरू करें तो मेरा ख्याल है इसमें जो एक कैविट रह जाता है, गवर्नमेंट जितना भी अच्छे इसकी टारगेटिंग कर ले, वो है रेगुलेटर्स इतने स्ट्रांग हो जो कि प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटेट जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनकी सर्विसेज को असेस कर सके. इसमें हमने आज से कुछ साल पहले सिंध में
वहाँ पे सिंध रूरल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने इस काम को शुरू किया था। बट सिंध में तो ये कार्ड नहीं है जी। नहीं जी, उस वक्त उसमें माइक्रो इंश्योरेंस दी गई थी सिंध रूरल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के इंटरवेंशन की, तो उसमें कार्ड नहीं था लेकिन वो माइक्रो इंश्योरेंस थी। और जब हमने उसका थोड़ा सा किया था असेसमेंट की थी, तो जो उसमें लूपहोल नजर आया था वो ये था कि बहुत से लोगों को नहीं पता था जब वो डेडिकेटेड जो वो फैसिलिटी में जाते थे वहाँ पे मेडिकल सेंटर में, तो उनको किस चीज के अगेंस्ट वो ट्रीटमेंट के चार्जेस जो है वो ले रहे हैं। तो ये साम बात है, देयर इज अ डेंजर ऑफ दैट, करेक्ट। हाँ जी सेनेटर साहब, व्हाट डू यू थिंक ऑफ द सेहत सहूलत कार्ड सर? सेहत सहूलत कार्ड के लिए जो खासकर यहाँ पे जो बेतुलमाल का इदारा है इसके अंडर आता है, इस प्रोग्राम के अंदर, इसमें तकरीबन आपको जो स्पेशल पर्सन है उनके लिए तलस्मिया, हेपेटाइटिस, कैंसर, दिल के मरीज, खासकर जो लोग जो मारूम होते हैं अपने पाओं से, नए जो मसनूई पाओं उनको लगाए जाए, तमाम प्रोग्राम इसमें मौजूद है। और बेतुलमाल के जरिए तकरीबन इनको वो कर रहे हैं अपने हिसाब से, वो जो एहसास प्रोग्राम है वो उनको वो टेक ओवर कर रहे हैं और देख रहे हैं कि भाई इसी बेतुलमाल के जरिए इनको लोगों तक ये सहूलियात मैसर हो सके। और ये प्रोग्राम भी चल रहा है तकरीबन एक हद तक बड़े अच्छे तरीके से चल रहे हैं, लोगों के मसाइल इसमें हल हो रहे हैं। मगर सेनेटर साहब एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगी कि इस मुल्क में जैसे कि खान साहब कहा करते थे बिफोर ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर, और वो बहुत सही कहते थे, वो कहते थे कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा चैरिटी दी जाती है, आई थिंक वी पीपल आर एक्सट्रीमली चैरिटेबल। और कोई भी बीमार हो जाए, आप देखें कि टीवी पे कोई प्रोग्राम आए कि किसी फैमिली को कोई मुश्किलात हैं स्पेशली हेल्थ रिलेटेड, तो कोई ना कोई वो कोई ना कोई उनको कवर कर लेता है, या तो इट्स समबडी हु इज वेल्थी इनफ to take care of it, ya koi hospital. So these are things that have been happening in this country. My point specifically is ke jo ye program hai iske hawale se kya kya aapki wo hai sir, iska asal wajah ye hai ke pehle jo ye kyun logon ne is tarah karna kyun shuru kar diya infradi taur pe aur koi shuru hua, inhone apne कुछ इस तरह के वो कोल दिए हैं फाउंडेशन टाइप के, उनके कोल दिए, तो वजह ये थी कि लोगों का एतबार उठ गया। लोग पैसा जब भी कहीं पे आता था पैसे का कहीं वो नहीं होता था, कोई हिसाब किताब भी नहीं होता था वहाँ पे, लोगों को पता ही नहीं चलता था कि मैंने पैसे दे दिए मगर वो कहाँ पे खर्च हो गए। अब भी अल्लाह के फजल से मैं शर्तीय तौर पे कह रहा हूँ के खान साहब की गवर्नमेंट में इसीलिए इन तमाम चीजों को देख रहे। और सबसे अच्छी बात सर, जी जी, सबको इकट्ठा करके इन्होंने एक पेज पे ला करके के नादरा के हवाले इन तमाम रिकॉर्ड्स को अभी यहाँ पे कोई ऐसा इंशाल्लाह ताला जो भी साहिब हैसियत होगा जिनके पास हैसियत होगी लोगों को देने के लिए, वो इसी प्रोग्राम के तहत वो अपना वो कर सकते हैं। ठीक। असल मसला ये है कि पहले इतबार नहीं था, इतबार अभी कॉन्फिडेंस जो है अभी तकरीबन लोगों में आना शुरू हो गया कि साफ तरीके से, और नादरा जो है इसको खुद चेक कर रहा है इसमें कुछ। पहले मैं कुछ बातें अर्ज करूँ आपको जी जी। क्योंकि हम एक अवामी नुमाइंदे हैं, पहले ये होता था किसी भी तहसील में जिले में जब ये लोग जाते थे ये तकरीबन ये जो पटवारी खाने हैं दूसरे अपना डाक खाने हैं इनके जरिए तकसीम होते थे और लोगों को पैसे मिलते नहीं थे, लाखों करोड़ों रुपए गायब हो जाते। यू आर राइट सर, आई हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, बट यू आर राइट, ये बहुत ही टेक्नोलॉजी के जरिए बहुत ही जो सिस्टम है वो ट्रांसपेरेंट हो गया है एंड इट्स टारगेटिंग द राइट पीपल। इजाजत दीजिए, थोड़ी सी छोटी सी ब्रेक लेंगे इधर। Welcome back, ladies and gentlemen. I'll quickly go to him first to complete his thought, and then I would like to ask my panelists के क्या improvements हो सकती हैं system में। जी डॉक्टर साहब। जी तो मैं याद कर रहा था कि जी जो regulator है जिसको के उन health infrastructure facilities को regulate करना है। जी जी। A के वो quality services दे और B वो overcharging ना करें card holder जो है, क्योंकि उनको तो मालूम नहीं होगा कि किस तरह के किस नौयत के तहत सरकार है और
कौन सा जो प्रोसीजर है वो एसेंशियल है या एसेंशियल नहीं, या वो एक्चुअली हुआ भी है या नहीं, तो ये चीज है जो कि लूप होल इसमें रहेगा। लेकिन अदरवाइज ये काफी है। And can you give me a quick recap on what improvements do you think BISC के अगर improvements करें तो क्या होनी चाहिए, सही सहूलत कार्ड में क्या होनी चाहिए? BISC लेवल पे तो ये ठीक होगा कि इस वक्त क्योंकि सारे पाकिस्तान का एक वेलबींग सर्वे किया गया है जो कि डिजिटलाइज है, और उसकी बेसिस पे एक फिल्ट्रेशन जो है वो तो हो सकेगी, एक थ्रेशहोल्ड बन जाएगा कि किनको ये मिलना चाहिए किनको नहीं मिलना चाहिए। वहां पे इशू आएगा कि वो जो हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर्स हैं क्या उनको रेगुलेट किया जा सकेगा, यानी अगर वो प्राइवेट हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर जिन्होंने ये सर्विस देनी है अगर उन्होंने इस कार्ड को मिस यूज करना शुरू कर दिया तो शायद ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव जो है, ये वो मकसद हासिल। और जी इफ द नंबर्स आर सो लार्ज, अगर वो बिकॉज खान साहब तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में जा रहे हैं, सो इफ द नंबर्स आर दैट लार्ज आई डोंट थिंक आर फाइनेंशियल सिस्टम और आर वो जो इंश्योरेंस कंपनी है पाकिस्तान इंश्योरेंस कंपनी, आई डोंट थिंक दे विल बी एबल टू विदस्टैंड द कॉस्ट। देखिए अंडर स्ट्रेस राइट, इंश्योरेंस कंपनी तो उसको अपनी लायबिलिटी को आगे इंश्योर कर लेगी विद some global insurance company. I don't know whether anyone will globally insure. जी बट BISC बारे में आपका क्या है, कैन इट बी इम्प्रूव्ड और देर गोइंग इन द राइट वे? आई थिंक देर गोइंग इन द राइट वे। जाहिर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो हर जगह रहती है, लेकिन जो उसके डाटा पे इतराज होता था कि डाटा जो है वो शायद फॉल्टी है या उसके नहीं वो नहीं रहा, तो कम से कम अब डिजिटलाइज डाटा और कंप्यूटर पे विद जीपीआरएस कोऑर्डिनेट्स, तो वहां पे उन्होंने इसको काफी हद तक फुल प्रूफ जो है वो कर लिया है। सही। तो अब वो डाटा जो है वो हुकूमत की मुख्तलिफ जो टारगेटेड सब्सिडी इनिशिएटिव होंगे आने वाले दिनों में, बल्कि दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट जी, सही है, इस्तेमाल किया जा रहा होगा। सही, वेरी गुड पॉइंट। सेनेटर साहब, एनी सजेशंस फॉर एनी फर्दर इम्प्रूवमेंट्स डू यू थिंक? बात यह है कि हमें तकरीबन जितने भी हम यहाँ पे जो हमारे जितने भी दोस्त हैं हमारे गवर्नमेंट के जोमा है बड़े बड़े हैं, जिसपे हमें ज्यादा काम करना चाहिए क्योंकि इससे हमारे मुल्क में गुर्बत का खात्मा भी हो सकता है, लोगों के मसायल हल भी हो सकते हैं, खासकर एजुकेशन और सेहत के बारे में। तो अगर ये चीज आगे चल करके कामयाब होती है तो इंशाल्लाह ताला ये जो हमारी खास अहम मसले हैं गुर्बत और एजुकेशन के लिए वो खत्म हो सकते हैं। और मेरे ख्याल से वजीर आजम साहब ने, खान साहब ने बड़ा अच्छा फैसला किया कि इन्होंने इस मिनिस्ट्री को इकट्ठा करके तमाम चीजों को एक जगह पे ला करके और यहाँ पे लोगों के सामने रख दिए और बिल्कुल साफ सफाई। सही है। He's done wonders. I agree 100% with you कि ये प्रोग्राम जो है ये बहुत needs to go forward. I'll just get quick feedback from our business recorder beat reporters before signing off. जी सिकंदर साहब, what do you think of the program? जी ये तो सिग्निफिकेंट है, जिस तरह के सब लोगों का ये अग्रीमेंट है कि बहुत डॉक्टर सानिया निश्तर इज डूइंग एन आउटस्टैंडिंग जॉब एंड काफी उस पर फोकस कर रही हैं, बहुत और एंड शी हैज ऑल द सपोर्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। जी सपोर्ट भी है हाईएस्ट गवर्नमेंट। जी आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम जी, क्या और जिस तरह एडिशन डिलीशन होती है बेनिफिशियरी वो भी बहुत अच्छा है, बट व्हाट सजेशन? जरूरत इस बात की है कि जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है वो बहुत तेजी से बढ़ने की जरूरत है, पेंशन बिल हो गया और इस जो भी डिटेल्स हैं उसको कम करने की जरूरत है, एंड वी नीड टू इंक्रीज दिस परसेंटेज ऑफ एलोकेशन फॉर बिस फॉर एहसास यूसेल्फ। जी सही सहूलत, फाइनल 10 सेकंड्स। बिल्कुल इमरान खान के इंटेंट तो बिल्कुल वो बहुत अच्छी है, लेकिन हमें अपनी कैपेसिटी को भी देखनी है। अब ये देख लें कि 7.8 मिलियन पीपल जो कि वो रजिस्टर्ड है सेहत सहूलत प्रोग्राम के वेबसाइट पे एनरोल्ड है, यानी ये 3.5 मिलियन परसेंट टोटल पॉपुलेशन का है।
ड्रोन बने, लेकिन यूनिवर्सल हेल्प प्रोग्राम तो अभी वो अमेरिका में भी नहीं है, नहीं बगैर उनका तो कुछ भी नहीं देते वो अमेरिका में, तो वो इट्स ऑल इंश्योरेंस, इट्स ऑल प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस. बट वन क्वेश्चन फ्रॉम यू विच इज के जो एनरोलमेंट है ये सहित सहूलत वेबसाइट पे जाएं तो इतनी आ रही है राइट, बट और बढ़ रही है हर एवरी सेकेंड इंक्रीजिंग. बट लेट मी जस्ट आस्क यू दिस क्वेश्चन, बट खान साहब ने ये कहा है कि जिसके पास आईडी कार्ड है उसके पास सेहत सहूलत कार्ड है, तो ये इशू ना भी हुआ हो इट इज पॉसिबल कि वो लोग जो हैं वो यूज कर रहे हैं राइट, बिकॉज केपीके में वो कह रहे हैं कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हो चुकी है. सो दिस नंबर दैट यू गिविंग इज ऑन द वेबसाइट बट दिस मे नॉट बी द एक्चुअल नंबर, इट कुड बी अ लॉट हायर. जी बिल्कुल ये है, और इसमें जो लोगों की सेटिस्फेक्शन है वो 97% यानी बहुत ज्यादा लोग इससे वो सेटिस्फाइड भी है इस प्रोग्राम से. नहीं वो तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है और सब कुछ है, बट इट शुड रिमेन इनिशियली लिमिटेड. आप ये कह रहे थे कि एक्चुअरियल एनालिसिस जो है वो 2018 का जो एनालिसिस था उन्होंने कहा था कि आप 2 साल बाद दोबारा कराएं ताकि आपको पता लगे कि कितना बढ़ गया है, कितने लोग ज्यादा इससे फायदा उठा रहे हैं, ताकि आपकी जो वो है जो द कॉस्ट टू द इंश्योरेंस कंपनी आप डिटरमिन कर सकें पर पर्सन जो है वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ है. 2020 में होना चाहिए था, अगर 2018 में हुआ है अब 2021 है. सो देर इज द पॉइंट इज इट्स अ ब्यूटिफुल प्रोग्राम, इट्स अ वेरी गुड प्रोग्राम, इट्स समथिंग दैट और कोई मुल्क नहीं, मतलब है कि हमारे जो हमारी जो इनकम लेवल का मुल्क है वो तो बिल्कुल ही नहीं कर रहा है. बट रियलिज्म इज समथिंग, रियलिस्टिक होना चाहिए. फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स अगर आप ना करें तो ये काम नहीं होता. ये तो वही मुझे पता लगता है ना जो पीपी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि जी हमने जॉब दे दिए तो इसमें हमें कोई वो नहीं है, इशू नहीं है, वी आर हैप्पी दैट वी गेव पीपल जॉब. उससे बहुत सारी कंपनीज गिर गई हैं, खत्म हो गई हैं, पाकिस्तान स्टील मिल्स, पाकिस्तान इंटरनेशनल. सो यू हैव टू लुक एट द फाइनेंशियल. जी सॉरी, बिल्कुल आपने बिल्कुल बजा फरमाया. और ये अगर के तो 40% हमारी जो पॉपुलेशन है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो इन्होंने बताया खान साहब को आहिस्ता इसको आगे बढ़ाना चाहिए और अपनी कैपेसिटी को और अपने जेब को बिल्कुल अपने जेब को देख. यहाँ तक के खवातीन आजाद आपने सुना कि जो ताहिर अमीन बड़े रेलिवेंटली कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो सही सहूलत का इसको फेज आउट करें, इसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं एज आर कैपेसिटी टू डू दैट इंक्रीजेज. और जो सिकंदर साहब कह रहे हैं वो उल्टा कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो हमारा जो एक्चुअल आउटले है उसको बढ़ाएं आप, और बाकी जो करंट एक्सपेंडिचर जो आपने इतना ज्यादा बढ़ा दिया, आई थिंक 3.89 trillion rupees 2017-18 से आपने बढ़ा के वो इस साल 8.4 trillion कर दिया है. सो दैट काइंड ऑफ थिंग नीड्स टू बी स्टॉप्ड. यू नीड टू बी मोर मतलब है कि आपकी जो एक्सपेंडिचर्स की हैं प्रायोरिटीज, यू नीड टू रिविजिट दैट. देखते हैं अब शौकत तरीन साहब आए, मगर बजट तो उनका है और उन्होंने ही ये किया है जितना वो कर सकते थे. वी आर ऑफकोर्स गोइंग इन टू नेगोशिएशन विद इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड बाय अर्ली अक्टूबर, मतलब के मेरे ख्याल में इसी हफ्ते शुरू हो जाएगा, और वो चीज जो है वो बहुत सारे दे माइट बी सम पॉलिसी रिविजन्स. लेट्स होप कि वो पॉलिसी रिविजन्स पॉवर्टी लेवल्स को नहीं बढ़ाते हैं. एक्सपेंशनरी पॉलिसीज रहनी चाहिए, नॉट कॉन्ट्रैक्शनरी एज बिफोर. इजाजत दीजिए इसी के साथ, खुदा हाफिज़.